अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत होंगे। आज की वीडियो करते हैं शुरू। जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें, शुक्रिया। आज है जी जुम्मा, तो जुम्मे की मैंने पूरी तैयारी कर ली है और शर्ट कमीज पहन ली है। अब बस ये है कि टोपी पहननी है, फिर जुम्मे के लिए जाना भी तो 12 बजे हैं और जुम्मा जमात यहाँ पर खड़ी होगी सलात तकरीबन 1:15 बजे। ठीक है, तो मैंने कहा चलें जब तक आपको अपना रूम दिखा दें। ये है जी हमारा रूम, ये मेरा बेड है ऊपर वाला हिस्सा, नीचे इमरान जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया, जिसने देखी होगी पिछली वीडियो पुरानी जो है उसको पता होगा, कोऑर्डिनेटर जो था हमारा। ठीक है, और ये दूसरा बेड, इधर भी 2 जने हैं और इधर भी 2 जने हैं, पर इधर कोई नहीं ऊपर सोता, इधर सोते हैं, नीचे अंकल जी सोते हैं और जो ऊपर वाला उधर वाला है ना असलान, वो यहाँ सोता है। ठीक है, और इस वजह से यहाँ उसको सुलाते हैं कि भाईजान उसको आदत है रात में बोलने की और चलने की। हमें नहीं मालूम था उसको बोलने और चलने की ना आदत है। जब हम पहली दफ़ा इस्लामाबाद से सऊदी आए और सऊदीया से अबू हैदरिया गए ना, अबू हैदरिया कैंप के अंदर जब हम गए तो वहाँ पर रात को ये बोलने लग गया, काफ़ी इसने बातें की तो हम परेशान हो गए। हमने कहा यार ये क्या चीज़ है, ये क्या सीन है, हम काफ़ी घबरा गए। फिर उसे सुबह पूछा तो इसने कहा भाई मुझे बोलने की आदत है। अच्छा, पहली रात तो हमें पता चला इसे बोलने की आदत है, चलें कोई बात नहीं। फिर जी अगला दिन हुआ तो ये रात को बोलते बोलते उठ के इसने गेट खोल दिया, और अब 1:30-2 बजे का टाइम, हम सो रहे थे, गेट खोल के इसने एकदम ज़ोर से गेट मारा और बाहर को ना भाग गया। हम बड़ा परेशान कि इसको हुआ गया, उठ के जब इसके पीछे जाके देखा तो नींद में भाग रहा था। तो इस वजह से इस इंसान को हम ऊपर नहीं सुलाते, उधर ऊपर नहीं सुलाते हम उसको, यहाँ उसका बिस्तरा किया भाई एसी के नीचे, तो सो कोई मसला हो या तू भागे हम तुझे हैंडल कर ले, हम तुझे कहीं जाने ना दें। तो इस वजह से इसका बिस्तरा नीचे है। और जी ये है जी हमारा कमरा, अब इस जो कैंप है ये वाला, मैं आपको सारा ही दिखाऊंगा और मैं सपना दिखाऊंगा। आज फ्राइडे है तो बिरयानी होगी और आपको पूरा कैंप नहीं दिखा सकूंगा, कैंप तो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा कैंप है, तो कोशिश करूंगा आपको जितना हिस्सा दिखा सकूं दिखाऊं, नहीं तो फिर नेक्स्ट पे दिखा दूंगा आपको इंशाल्लाह। और आज मस्जिद दिखा देता हूँ आपको, मैस दिखा देता हूँ, अपना रूम तो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे हम 6 बंदे रहते हैं, लेकिन 6 बंदे एट ए टाइम होते नहीं है, किसी की नाइट ड्यूटी किसी की डे ड्यूटी। आज फ्राइडे है, आज भी काफ़ी लोगों के ओवर टाइम हैं जो वो गए हुए ओवर टाइम लगाने के लिए। ठीक है ना जी। और एक सबसे आपको एक बात बताऊँ, बाहर बहुत गर्मी हो रही और ये जो एसी है ना, ये आपको आवाज़ आ रही होगी, ये सिर्फ हवा देता है, कूलिंग नहीं कर रहा। आज इसकी कंप्लेन की है, ठीक है, तो हो सके वो शाम को आ जाए, हो सके कल आ जाइए। आप कमरा देख के परेशान ना होइएगा, क्योंकि यहाँ पे लड़के रहते हैं 90%, यानी कि 1, 2, 3, 4 बंदे छड़े हैं जो अपना काम नहीं करते। ठीक है, 2 बंदे शादीशुदा हैं यहाँ पे, एक मैं हूँ और एक वो चाचा जी जो है, और बाकी सारे यहाँ पे छड़े हैं। तो आपको पता है छड़े के कमरे ऐसे ही होते हैं, उल्टू पुलटू है। देख लें मेरा बिस्तरा है, बेड है, कैसे क्लियर किया हुआ है, तकिए आराम से सीधे लगे हुए, कंबल तय करके रखा हुआ है, हर चीज़ अपने तरीके से। मेरी जो डांगरी वगैरह है वो ये टंगी हुई है, ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी, ये डांगरी मेरी टंगी हुई है। ठीक है, मेरा जो बैग है वो ये रहा, इसके ऊपर पड़ा हुआ है, और मेरे अलमारी में ये अलमारी पड़ी है, अलमारी के अंदर सामान है। ठीक है जी, बकाया किसी की यहाँ टंगी है, किसी की वहाँ, बाकी छोड़ो, अब आप लोग कहोगे, कमेंट्स करोगे कि कितना बुरा कमरा आप लोगों ने रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको कैंप बताऊंगा ये कौन सा कैंप है, और कैंप बहुत खूबसूरत है, इतना बुरा ही नहीं है, बहुत खूबसूरत है। ये जो कमरे बने हुए ये भी अच्छे हैं, लेकिन हम लोगों ने खुद ही इसको ना बुरा किया है, तो इंशाल्लाह आप दिखाऊंगा आपको। अभी टाइम हो रहा है नमाज का, तो अब चलते हैं नमाज के लिए, तो फिर आपसे मुलाकात होती है। यार अब जुम्मे का टाइम हो गया, जुम्मा पढ़ने चले, जुम्मा पढ़ के तो फिर आते हैं, खुतबा शुरू हो गया, धूप बड़ी तेज़ लगी हुई है। ऐसे क्वार्टर बने हुए हैं सारे, ये सारे ऐसे क्वार्टर बने हुए हैं, क्वार्टर के आगे नंबर लिखे हुए हैं, इस साइड पे ई है, इस साइड पे एफ है, हमारा जो है F7 है,
क्वार्टर बहुत खूबसूरत है बाहर से देखने में भी और वैसे भी, लेकिन बस अंदर से जो लोग रह रहे हैं ना उन लोगों ने सही नहीं रखे थे, उन लोगों ने ख़राब किए हैं। ये कैंप जो है अल-तमीमी का, ये मैसा आला है, ये वाला जो मैसा है ये सीनियर का है, तो जूनियर का जो है मैं आपको वो दिखा दूँगा। आपको पता है बाहर या जहाँ भी जिस कंट्री में आप काम करें तो वहाँ पर सीनियर जूनियर लाजमी होते हैं, चाहे आप अपने मुल्क में क्यों ना कर रहे हैं। यहाँ का ये सीन है जी, ये मेन गेट है अल-तमीमी कैंप, ये सारा कैंप का हिस्सा है, ये भी कैंप का हिस्सा है। यहाँ पे सीनियर जो है मैनेजर हो गए, इंचार्ज हो गए, फोरमैन हो गए, उस साइड पे वो रहते हैं। सेम है वैसे ही, बस सेपरेट कर दिया है सीनियर जूनियर का। जूनियर उस साइड पे है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, हवा की वजह से ना लग रहा हो, पता नहीं आवाज़ मेरी सही आ रही है कि नहीं। अब टाइम हो गया ना नमाज का, अब जल्दी जल्दी चलते हैं। ये मैच का इधर से जाने का है, तो मैं जुमे के बाद जब अंदर जाएंगे खाना खाने फिर मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लगती है लिस्टें जिसकी ड्यूटी होती है, और शाम को खाने के बाद यहाँ पे लिस्ट देखता है तो उसका नाम होता है, तो उस हिसाब से उस जगह पे ड्यूटी करता है। ये देखिए ये सारा सीनियर की एरिया, और ये वाला जो है हमारा जूनियर एरिया। हाँ कोई नहीं, ये मस्जिद आ गई, काफ़ी बड़ा कैंप है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप जल्दी जल्दी चलते हैं नमाज के लिए अंदर, ठीक है। जगह है ना, जगह तो फुल हो गई। यहीं बैठ जा, ये मैस है, यहाँ पे ऐसे पैक करके रखे होते हैं जिसकी ड्यूटी होती है, और जिनकी ड्यूटी नहीं होती फ्राइडे को वो ऐसे आते हैं। एक सेकंड में पहले बोतल रख दूँ, इधर बोतल रख दूँ, और इधर चलते हैं। जैसे आज फ्राइडे, आज बिरयानी बनी होगी तो बिरयानी लेते हैं। यहाँ पे ऐसी प्लेटी होती है जैसे इंडिया में थाल टाइप होती है ना, ये वो चीज़ है। यहाँ से बिरयानी लेते हैं, रायता डलवाते हैं। इधर पीछे भी, साइड पे भी डाल दो, शुक्रिया। अब खाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद मैं ना सो गया था, तो अब उठाऊं, अभी उठाऊं तो उठ के बाहर आया, हवा बहुत तेज चल रही है, 5 बज रहे थे, मैंने कहा चलो बाहर जाके देखते हैं मौसम कैसा, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है, धूप है लेकिन हवा के आगे कुछ भी नहीं है। शायद मेरी आवाज़ ना आ रही हो आपको हवा की वजह से। ये छोटा सा पार्क बना हुआ है तमीमी के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ वेलकम टू तमीमी कैंप, ये देखें। ये शाम के टाइम जिस दिन हम आए थे उस दिन जा रहा था, लेकिन आज नहीं चलाया पानी का, नहीं तो बहुत खूबसूरत इधर का व्यू होता है। ये छोटा सा पार्क बनाया है, बहुत ही खूबसूरत है। ये हवा का प्रेशर आप देख रहे होंगे कि हवा कितनी तेज चल रही है, अभी इतनी तेज नहीं है जितनी देर यहाँ पे चलती है, खड़ा नहीं हुआ जाता, साथ डस्ट उठती है ना उसकी वजह से खड़ा नहीं हुआ जाता, तो आई तो फिर बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। अब आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड, चलते हैं दूसरी साइड पे, लेकिन वहाँ पे डस्ट होगी उस साइड पे ना, डस्ट काफ़ी होगी, फोकस कर ले अब उस साइड पे काफ़ी डस्ट होगी, इस साइड पे ठीक है।
एक देख रहे हैं आप, मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ बकाया इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो अगला पार्ट होगा ना इसका, तो मैं पूरा पूरा एक ए टू जेड दिखाऊंगा। ऐसे क्वार्टर बने में, ये गली है, फिर क्वार्टर है, वो गली है, फिर क्वार्टर, ये गली, ये ऐसे बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। और वापस अंदर चलते हैं, बैक से सूरज आ रहा होगा, सूरज की वजह से मेरा चेहरा आपको सही कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा होगा। अंदर आ गया और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।